सरकार द्वारा नियमित तरीके से भुगतान नहीं किए जाने और समस्याओं की अनदेखी किए जाने के विरोध में मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य आशागट प्रवर्तक कर्मचारी कृति समिति की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा वर्कर उपस्थित। कोरोना कार्यकाल में कोविड योद्धाओं द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ा ही सराहनीय काम किया जा रहा है, जिसमें आशा वर्कर का भी समावेश है। हालांकि फिर भी सरकार द्वारा आशा वर्करों की मांग पूरी नहीं हो रही है, ऐसा आशा वर्करों का कहना है। इसी के चलते मंगलवार को शहर के संविधान चौक में आशा वर्करों द्वारा आंदोलन किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में आशा वर्कर उपस्थित थी। रंजना पोनीकर, आशा वर्कर यूनियन के सर सचिव। आम्ही वारंवार निवेदन देत आहोत, कोरोना काळामध्ये 2 वर्षापासून आम्ही सातत्याने आपल्या जीवाची बाजी लावून काम करीत आहोत, पण सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही आहे। त्यांना असं वाटत आहे की आम्हाला वाऱ्यावर सोडल्यासारखं झालेलं आहे। आज आमचे घर घरस्ती टाकून, मुलंबाळं टाकून, सर्वांना टाकून आम्ही बाहेर पडतो। जेव्हा एका घरी जो सर्वे करतो, बीपी आहे का, शुगर आहे का, ऑक्सिमीटर, पल्स वगैरे सर्व घेतोय, तरी एवढा जोखीमचं काम करून आम्हाला असं वाटत आहे का सरकार झोपलेली आहे। त्याला जागं करायचं होतं। मुख्यमंत्र्यांना जे पूर्व मुख्यमंत्री त्यांनी 2000 जी मानधनात वाढ केलेली होती, तर आपले मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे उद्धवजी ठाकरे यांनी त्या जी आर काढून आम्हाला 8 महिन्याचं मानधन दिलं, पण आता ते रेग्युलर महिन्याच्या महिन्याला द्यायला पाहिजे आणि आम्हाला कर्मचारी शासकीय दर्जा देण्यात यावे, बीपीएलएपीएलची अट रद्द करण्यात यावी आणि किमान वेतन 18,000 रुपये देण्यात यावं, असं आम्ही वारंवार त्यांना मागणी करतो। सरकार द्वारा नियमित तौर पर उनका मासिक भुगतान किया जाए, बीपीएल एपीएल को रद्द किया जाए, साथ ही किमान वेतन 18,000 रुपये का भुगतान किया जाए, ऐसी मांग आशा वर्करों इनके द्वारा सरकार से की गई थी। हालांकि फिर भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा इस वक्त आशा वर्कर इनके द्वारा कहा गया। साथ ही उन्होंने इस वक्त चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।